पशुओं में फैल रहे लंपी वायरस डिसीज को लेकर जहां किसान चिंतित हैं, तो वहीं प्रदेश की सरकार भी इसकी रोकथाम को लेकर बेहद गंभीर है। जनपद मुरादाबाद में जहां लंपी वायरस संक्रमित गौवंशों पशुओं के मिलने का सिलसिला जारी है, तो वहीं उपचार के चलते तेजी से गौवंश ठीक भी हो रहे हैं। जनपद के मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अनिल कंसल ने जानकारी देते हुए बताया कि जनपद में 15 अगस्त को इसका पहला मामला सामने आया था, जिसके बाद से विभाग ने एक्टिव होकर उपचार शुरू कर दिया। जनपद में पशुओं के टीकाकरण के लिए 10 आश्रय स्थल संचालित किए जा रहे हैं। वर्तमान में 31,700 पशुओं का टीकाकरण किया जा चुका है। संक्रमित गौवंश की संख्या 212 थी, जिसमें से 191 पशु पूरी तरीके से ठीक हो चुके हैं। पशुओं का रिकवरी रेट 76% है। पशु 3 से 4 दिन के उपचार में पूरी तरीके से ठीक हो रहे हैं। जनपद मुरादाबाद के अंदर सर्वप्रथम 15 अगस्त को पहली बीमारी का के समय प्राप्त हुआ था, विकासखंड छजलेट के गांव रसूलपुर गुजर में। उसके बाद से ही हम इस पर एक्टिव हो गए और हमने उपचार शुरू किया है। अब तक विकासखंड आठों हमारे प्रभावित हैं, वहां पर सब जगह छुटपुट केस प्राप्त हुए हैं। किसी एक रसूलपुर गुजर गांव जरूर है जिसके अंदर 22 गौवंश हैं, अदरवाइज पूरे हमारे जनपद के अंदर सबसे ज़्यादा अगर प्रभावित हैं तो 4 गौवंश हैं, अदरवाइज एक दो हैं। हमारी टीमें तत्काल उनका उपचार करती हैं, रिंग वैक्सीनेशन किया जा रहा है। जो गांव प्रभावित होता है उसे हम छोड़ देते हैं, उसके निकटवर्ती 500 मीटर के घेरे के अंदर जो गौवंश आते हैं उनको आइवरमेक्टिन या इम्यून बूस्टर डोज दी जाती है। उसके बाद 5 किलोमीटर के रेडियस में जितने भी गाँव आते हैं उनको हम सुरक्षा चक्र बनाते हुए उनमें रिंग वैक्सीनेशन कर रहे हैं। वर्तमान में अभी तक 31,700 टीकाकरण कल तक हो चुका था। अब हमारे जनपद के अंदर 10 गौआश्रय स्थल संचालित हैं, जिनके अंदर 1177 हमारे गौवंश हैं, उनको सबको हमने एलएचडी टीकाकरण सबसे पहले टीकाकरण किया गया था। वर्तमान में कुल 252 गौवंश आज तक प्रभावित हुए हैं, जिनमें से 191 मतलब 75.79 हमारा रिकवरी रेट है। ये इस बार जो ये वायरस है इसमें एक चीज़ अच्छाई है कि रिकवरी रेट बहुत अच्छा है, 3 से 4 दिन के उपचार में ही गौवंश सही हो जाता है। इसमें हमारा पशुपालक से सहयोग से अपेक्षा है कि इस बीमारी को कदापि छुपाए नहीं, किसी झोला छाप या किसी अनाड़ी के हाथ में ना खेलें, झाड़ फूक ना कराएं, तत्काल अपने निकटवर्ती पशु चिकित्सालय से संपर्क कर पशु चिकित्सा अधिकारी को बीमारी के बारे में जानकारी दें। हम आपको आश्वासन देते हैं कि ये बीमारी लाइलाज नहीं है, इसमें जल्द अगर आप हम सही उपचार करवाएंगे तो पशु 100% ठीक हो जाएगा।